गर्मा गर्म सांबर और सुपर सॉफ्ट इडली मिल जाए तो बस क्या कहने, फिर तो क्या ही बात है। पर जब इसको बनाना होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम और साथ में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। तो सोचिए कि इतना समय हम कैसे लगा लें। तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि आज हम होटल की बेहतरीन सुपर सॉफ्ट इडली और टेस्टी मसालेदार सांबर कैसे बनाते हैं। अगर आपने इस तरीके से बना के एक बार ट्राई किया तो आप तीनों टाइम इसे ही मांगेंगे कि मम्मा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच सब में मुझे इडली सांभर ही खाने को दो। तो हेलो बुकर्स, मैं हूँ आपकी बुकर पहाड़ी और आज मैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बहुत ही इंस्टेंट सांभर और इंस्टेंट इडली। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने लिया 3 कप सूजी और उसमें डाला 3 कप दही और दोनों को सेम रेशियो में डाल के मैंने बैटर को पहले से तैयार करके रख दिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे एक टिप याद रखना कि मैंने यहाँ पे डाला है 2 टेबलस्पून जो ऑयल होता है, आप ऑयल में कुछ भी ले सकते हैं, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है वो डाल के मैंने पूरा बना दिया था पेस्ट। उसके बाद मैंने ग्रीस किया था मोल्ड और उसमें डाला था ये पेस्ट। उसके बाद मैंने इस पेस्ट को डाला था 15 मिनट से जो खोलता हुआ गर्म पानी था उसके साथ मैंने इसको रखा और फिर देखिए ये बन के बाहर निकली थी मेरी फ्लफी जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट इडली। इनको मैंने मोल्ड से निकाला, उसके बाद जितनी अदर इडलियाँ मेरे को बनानी थी उनके लिए मैंने बैटर को फिर से हिला के अच्छे से स्टर करके उसको डाला और उसके बाद जितनी भी इडलियाँ मेरे को बनानी थी, द नंबर ऑफ मेंबर्स आपके हाउस में कितने हैं, कितने लोग बना रहे हैं वो। साथ में यहाँ पे सांभर मैंने पहले से बना के रख दिया था जो कि बनाया था मेरी मातेश्वरी ने, तो बहुत चटपटा था, मज़ा आ गया था। फिर मैंने इसको सर्व किया सबके लिए अलग अलग कटोरी में और उसके बाद मैंने सर्व करा इसके साथ इडली। पर मैंने उसके सबसे पहले आप लोगों को दिखाने के लिए अपना डेकोरेशन किया और उसके बाद मैंने इसको लेके किचन से बाहर भागी और उसके बाद सर्व किया और मज़े में खाया। आप भी ट्राई कीजिए और खाए।